पूछते ही नहीं, समय ही नहीं आप लोगों को। किसी को पशुओं से समय नहीं है, किसी को घर से समय नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। किसी को बैठने के लिए टाइम है लेकिन बैठ नहीं पाते, किसी का शरीर स्वस्थ है वो भी नहीं बैठ पाते, वो कहता मन नहीं लगता, मन लगा दो। अरे मन बैठोगे तभी तो लगेगा, कोशिश करोगे तभी तो लगेगा। कुछ लोगों को मैं कहता हूँ आप ध्यान शुरू कीजिए, वो लोग कहते हैं एक बार सब कामों से फ्री हो जाऊँ फिर ध्यान शुरू करूँगा। मैं देखता रहता हूँ, अरे फ्री तो कोई होने वाला नहीं है, इस शरीर और संसार में कोई फ्री नहीं होने वाला है। एक काम ख़त्म होगा कि एक लड़के की शादी हुई, नौकरी लगी, ये काम निपटा, आगे उसके बच्चा हो जाएगा, फिर उसको संभालना, फिर उसका पालन पोषण होगा, फिर उसका स्कूल शुरू हो जाएगा, स्कूल शुरू होगा तब तक दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके दूसरे का काम होगा, फिर दूसरे लड़के के पैदा हो जाएगा, फिर लड़की की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, उनकी निपटेंगी, फिर उनके बच्चे पैदा होने लगेंगे। इसी प्रकार से आपको जब एहसास होगा कि हमारी आयु तो जा चुकी, तब आप ना बैठने के होंगे। आया मेरे पास उठा करके, करीब 10 साल पहले वो आदमी आया था, मैंने कहा भक्ति शुरू करो, बहुत ज़रूरी है, अभी आपके पास समय है। उन्होंने कहा ये तो होती रहेगी, उनका कहना गलत नहीं था, सबके साथ यही है कि भक्ति तो बाद में कर लेंगे, पहले कुछ कर ले, और संसारिक काम बहुत है, एक बार इनको निपटा ले फिर भक्ति ही करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार निपटा लें बस, फिर भक्ति ही आपकी शरण ही है। वो आदमी 10 साल बाद लौट करके आया, उसको उठाए ले करके आ रहे, मैं देख रहा उसको। उन्होंने कहा जी मैं आपके पास पहले भी आया था। मैंने कहा इस जन्म में भी आए थे और पिछले जन्मों में भी आए थे, केवल इस जन्म में नहीं आए पिछले जन्म में भी आए थे। मैंने तब भी कहा था कि आप भक्ति करो, आपने नहीं सुनी। इस जन्म में भी मैंने जगाने का प्रयास किया कि आप जागो और शुरुआत करो, आप फिर छटपटा करके चले गए, अरे संसार के काम के लिए आया। बड़े आश्चर्य की बात है, संसार के छोटे से कार्य को मैं अगर मना कर दूं कि नहीं ये नहीं होगा, आप परमात्मा को रटो, वो कहने लगते हैं फिर परमात्मा का रट के हम क्या करेंगे। जब हमारा ये काम ही नहीं होगा, अगर हमारी भैंस दूध ही नहीं देगी, तो हमें फिर परमात्मा का क्या करना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़े सोच और विचार की बात है कि जब आप जिन चींटियों को दाना डालने के लिए जाते हो उनको बिल उखाड़ उखाड़ करके देखना, जब आप उनके बिलों को उखाड़ करके देखोगे तो उनके अंदर जो भोजन है उनका, उस सामग्री को वो इकट्ठा किए रहती हैं, कुछ न कुछ जो भी मिलता है संग्रह कर लेती हैं, जो भी मिलता है संग्रह कर लेती हैं। वो छोटा सा, इतना छोटा सा जीव जब संग्रह करता है जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, लेकिन हम मनुष्य होते हुए भी न हमें अपने भविष्य की चिंता है, न आने वाले समय की चिंता है, न ये चिंता है कि मृत्यु भी आने वाली है, न ये चिंता है कि हमें आगे जाने के लिए कुछ संग्रह किया है या नहीं किया, हमें कोई फिक्र नहीं है, बस बेफिक्र हो करके डोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं। क्योंकि शब्दों की लड़ाई इतनी हो गई है कि शब्द हम एक दूसरे का नीचे ही नहीं पढ़ने देंगे, कि वो अगर कुछ बात करेगा हम उससे ऊपर की बात करेंगे, अगर वो इंद्र की बात बताएगा तो दूसरा ब्रह्मा की बात बताएगा, एक ब्रह्मा की बात बताएगा तो दूसरा विष्णु की बात बताएगा, विष्णु की बात बताएगा वो तीसरा शिव की बात बताएगा, शिव की बात बताएगा वो ऊपर के लोगों की बात करने लगेगा। बड़ा आश्चर्य में खेल हो रहा है, क्या केवल शब्दों से भक्ति होगी, क्या केवल भक्ति मात्र शब्द ही है, क्या भक्ति मात्र तर्क ही है, क्या भक्ति मात्र वाद विवाद ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ये जो भीड़ लगी हुई है, इस संसार में दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक गुरु वो होते हैं जो भोगने के लिए आते हैं, सुख भोगने के लिए आते हैं, जो गद्दी के ऊपर बैठते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं कि भोग भोगने के लिए आए, भोग भोगा और लौट गए,
फिर दूसरा आया भोग भोगने के लिए, वो भोगा और लौट गया। एक गुरु होते हैं जो कर्म के लिए आते हैं, जो जगाने के लिए आते हैं, जो आपको कर्म योग सिखाने के लिए आते हैं, जो परमात्मा का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, वो गुरु बहुत कम होते हैं इस संसार के अंदर। क्योंकि जिन्होंने अपना किया है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने सुमरण किया है, जिन्होंने उस ब्रह्म को समझा है, जिन्होंने उस ब्रह्म को जानने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने आप को उसके समर्पित कर दिया है, ये दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु तो किसी काम का ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने भोग के लिए आया है। उन्होंने अनंत अनंत जन्मों में पुण्य किए हैं, वो भोगेगा और निकल जाएगा। उसको न मार्ग का पता है, न वो खुद गया है, न आप लोगों को ले जा सकता है। लेकिन जो दूसरी प्रकार के गुरु होते हैं, वो अलग तरह के होते हैं। वो खुद भी जागे हुए होते हैं और आप लोगों को भी जगाने के लिए आए होते हैं। जो दीपक जला हुआ है, अगर आपका दीपक बुझा हुआ है तो भी आपके दीपक को वो जला देंगे। लेकिन अगर आपका दीपक उनके नज़दीक ही न लेके जाएं तो कैसे जलेगा, नहीं हो सकता। अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी भक्ति का रास्ता खुल सकता है। भक्ति की शुरुआत होती है नाम के साथ। आप सोचेंगे कि हमने इतनी पूजा पाठ की, इतना दान पुण्य किया, इतना ये किया, समाज के लिए किया, ये क्या काम आएगा? ये भी काम आएगा आपके। ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए, आगे काम नहीं आएगा। जिस जिसको स्वर्ग तक जाना है वो जाइए, वो बहुत अच्छा रास्ता है, लेकर के जाएगा, वहाँ पहुँचा भी देगा आपको। लेकिन अगर आगे जाना है तो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके नाम की शुरुआत करनी पड़ेगी, ध्यान की शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार मैं कहता हूँ कि ये संसार अक्षण भंगुर है, ये नष्ट हो जाने वाला है, आप संसार में मत फंसो। कुछ लोग ये बात सुन करके जाग जाते हैं कि अरे संसार नष्ट होने वाला है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था। लेकिन वो जागते सही तरफ नहीं है कि परमात्मा की तरफ दौड़ने लगे, वो जागते हैं भोगों की तरफ। अरे उम्र निकल गई, मैंने तो पैसे कमाने थे, मैंने तो ध्यान ही नहीं था कि उम्र धीरे धीरे गुजर रही है, ऐसे ही निकल जाएगी। अरे मैंने तो भोग भोगने थे इस संसार के, अरे मैंने तो इस संसार में अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अरे मैंने तो कुछ खा पी के भी नहीं देखा है, अरे मैंने तो इस संसार में रस ले के भी नहीं देखा है, ऐसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा। परमात्मा को तो बाद में देख लेंगे, ये तो हाथ की बात है, लेकिन पहले जब युवावस्था है तो भोग भोग लेने चाहिए। संसार परमात्मा तो बाद में चलता रहेगा, बूढ़ा होने के बाद तो राम के ना लेने ही हैं। जब चारपाई के ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर राम को ही याद करेंगे, और क्या काम रह जाएगा। जब सब कुछ फरी हो जाएगा, शरीर साथ छोड़ देगा, तो फिर राम के ना ही लेंगे, और क्या करना है। लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि ना श्वास हमारे हाथ में है, ना जीवन हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। इस संसार में न आना हमारे हाथ में है, न जाना हमारे हाथ में है। आना भेजना भी किसी और के हाथ में है, और लेके जाना भी किसी और के हाथ में है। लेकिन हम नहीं समझते, हम फंस जाते हैं। किस चीज़ के अंदर? हम उस माया के अंदर फंस जाते हैं, उस संसार के अंदर फंस जाते हैं, नहीं समझ पाते। तो फिर लोग भोगों की ओर भागते रहते हैं और भूल जाते हैं परमात्मा को। और जब ये शरीर जवाब देने लगता है, जब भोग के साथ तो रोग आएगा ही, जब भोग के साथ रोग आने लगते हैं, फिर पीड़ित होता है शरीर, फिर दुख मिलता है, फिर वापस भाग करके आता है। अरे बहुत साल पहले आपके पास आया था, तब आपने ठीक कर दिया था, अब फिर बीमार हो गया। कौन सा धर्म के ऊपर रह करके देखा, कौन सा नाम ले करके देखा? मैं पूछता हूँ कि क्या आपने नाम रटा परमात्मा का? नहीं, अब की बार रटूँगा, अब की बार ठीक कर दो, मैं फिर ठीक कर देता हूँ। फिर आता है वो दो चार साल के बाद, फिर
आता फिर कहता अब कुछ और रोग हो गया। मैंने कहा परमात्मा को याद किया, अब की बार पक्का है, अब की बार नहीं भूलूँगा, आपको याद रखूँगा। फिर चला जाता है। ये हाल सब लोगों का है, इसी प्रकार इस संसार का हाल है। और जब संत जगाने के लिए आते हैं, वो जिस प्रकार से डॉक्टर होता है, आपको कोई जख्म हो गया है, कोई फोड़ा हो गया है, उसको चीरता है, साफ़ करता है, उखाड़ता है और उसको साफ करके दवाइयाँ लगाता है, छटपटाता रहता है जीव, तड़पता रहता है जीव, कैसे दर्द कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्या इलाज करेगा ये, इसको तो जानकारी ही नहीं है, कैसा डॉक्टर है ये, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, आता ही नहीं है कुछ। वही हाल संसार का हो गया है। जब गुरु धरा के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर प्रयोग शुरू करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तो वही संसार उन गुरुओं का दुश्मन हो जाता है, शत्रुता के ऊपर उतर आता है, ना जीने देता है, ना जीता है, ना रटता है, ना रटने देता है। इसी कारण से संतों के शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जिसका हाथ उस परमात्मा ने पकड़ रखा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ शरीरों का महत्व नहीं होता। चाहे शरीर आए चाहे जाए, जिन संतों की गर्दनें उतार दी गई, जिनको मार दिया गया, जिनको उबलते हुए खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया, नाम सुमरण बंद नहीं हुआ, वो अपने कार्य को लगभग पूरा करता ही है जहाँ तक वो जाता है।